सुप्रभात छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ने का अभ्यास किया था, आज हम इस कक्षा में भी पढ़ने का अभ्यास करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज मैं कोई नया पाठ नहीं पढ़ाऊंगी। बच्चों, आपने जब पढ़ने का अभ्यास किया होगा तो आपने यह देखा होगा कि मैंने अभी खाली सरल शब्दों का प्रयोग किया है और सरल वाक्यों का प्रयोग किया है, क्योंकि अभी हमने बस स्वर और व्यंजन पढ़े हैं। अभी हम सारे स्वर के साथ कौन कौन सी मात्राएं लगती हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बाद में। इसलिए अभी मैं चाहती हूँ कि आप बस सरल शब्द पढ़ें और सरल वाक्यों को पढ़ें और घर पर सरल शब्दों को लिखने का प्रयास भी करें और अभ्यास भी करें। बच्चों, आओ शुरू करते हैं। आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है, ठीक है? आओ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है उ छ ल। मेरे साथ बोलो बच्चों, उ छ ल। उछल, म त मत, उछल मत। श ह द, शहद। च ख चक, शहद चक। प ल क पलक, झ प क झपक, पलक झपक। बच्चों, आपको पता है पलक क्या होती है? हमारी आंखों पे जो बाल होते हैं हम उनको पलक कहते हैं। पलक झपक। उसके बाद है बच्चों भजन, भजन। मेरे साथ बोलो बच्चों, भजन, भजन। कर, कर, भजन कर। बच्चों, आपको पता है ना कि भजन का मतलब क्या होता है? जब हम भगवान की आराधना करते हैं, गाना गाते हैं, तो उसे हम भजन बोलते हैं। अगर, अगर। मगर, मगर। मत, मत। कर, कर। अगर मगर मत कर। छत, छत। पर, पर। टहल, छत पर टहल। बच्चों, जब भी हम घूमते हैं, जब भी हम चलते हैं, तो उसे हम टहलना कहते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है छत, छत। पर, पर। टहल, टहल। बच्चों, मेरे साथ पढ़ो। घर, घर। पर, पर।
हवन हवन कर कर, घर पर हवन कर। आलस आलस, बच्चों अभी हमने स्वर में पढ़ा था ना कि अ के बाद क्या आता है, अ के बाद आता है आ, तो यह वही आ है। आलस मत कर। मत मत कर कर, आलस मत कर। क ल म कलम, उधर उधर, रख रख, कलम उधर रख। आपको पता है ना बच्चों हम कलम से लिखते हैं। आओ बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। आपको अच्छे से पढ़ना है और बीच में आप यह स्लाइड रोक भी सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। ठहर ठहर, कर कर, फल फल, चख चख। ठहर कर फल चख, बच्चों ठहर 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 मतलब होता है कहीं पे रुकना। लट लट, झटक झटक, लट झटक। बच्चों लट का मतलब होता है बाल और झटक का मतलब होता है जब हम कोई सी चीज झटकते हैं। कलश कलश, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना। कलश कलश, तखत तखत, पर पर, रख रख, कलश तखत पर रख। खटर खटर, पटर पटर, मत मत, कर कर, खटर पटर मत कर। बच्चों खटर पटर का मतलब होता है शोर मचाना। जब भी हम शोर मचाते हैं तो हमारे माता पिता हमें कहते हैं ना, खटर पटर मत कर, शोर मत मचा, इसका मतलब वही होता है। ख त खत, स म झ समझ, क र कर, प ढ पढ़। खत समझ कर पढ़। खत का मतलब होता है बच्चों जब हम किसी को लेटर लिखते हैं, कुछ लिखकर भेजते हैं, उसे हम खत कहते हैं। खत समझ कर पढ़। इस वाक्य में बोला गया है कि हमें खत समझना है और पढ़ना है। रथ रथ, पर पर, चढ़ चढ़, कर कर, महल महल, चल चल। रथ पर चढ़ कर महल चल। इस वाक्य में बोला गया है बच्चों रथ पर चढ़कर महल चल, कि हमें रथ पर चढ़ना है और महल जाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने मेरे साथ अच्छे से पढ़ा होगा और मैं चाहती हूँ कि आप घर पर सरल वाक्य और सरल शब्द अच्छे से पढ़ें। बच्चों
अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी और आपको मुझे बताना है कि वह चित्र किस चीज का है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला है यह चित्र, अब आपको बताना है यह क्या है। मैं आपके सामने दोनों शब्द को पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ पढ़ोगे और बताओगे कि यह क्या है। सबसे पहला शब्द है अ ज ग र अजगर, अ च क न अचकन। बताओ बच्चों यह क्या है? मैं किस पे गोला बनाऊं? सही उत्तर पे बताओ बच्चों। अरे यह तो अजगर है, सही जवाब। यह तो सबसे सरल है न। म ग र मगर, बतख बतख। बताओ बच्चों यह क्या है? यह मगर है? नहीं, यह तो बतख है। सही जवाब बच्चों, बहुत अच्छे। अब बच्चों आप यह बताओ कि यह क्या है। श ल ग म शलगम, ब र ग द बरगद। यह शलगम है, यह बरगद है, यह तो बरगद का पेड़ है। आपने कभी बरगद का पेड़ देखा है? वह बहुत बड़ा होता है। अब यह आखिरी चित्र है, आप जल्दी से बताइए यह क्या है। यह ब र त न बर्तन है या ब च प न बचपन है? बर्तन या बचपन? यह तो बर्तन है, सही जवाब। बच्चों मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही सारे सरल शब्दों का प्रयास करो और अच्छे से इनको पढ़ो। जब आप इनको अच्छे से पढ़ोगे फिर हम आगे की मात्रा भी अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है बच्चों? तो आप इन सभी सरल शब्दों को अच्छे से पढ़ोगे। धन्यवाद।